हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट हेडिंग का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मांग के प्रकार अथवा भेद। जिसका नाम है मांग के प्रकार अथवा भेद, जिसे टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। देखिए, इसमें हम ये जानेंगे कि मांग के कौन कौन से प्रकार हैं या मांग को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा निर्भर करती है। मैंने यहां लिखा है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा निर्भर करती है। हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, किसी वस्तु की मांग करते हैं, तो वह निर्भर करता है कुछ चीजों पर। वो कौन सी चीजें हैं? वस्तु की कीमत निर्भर, यह जो है हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो वह निर्भर करता है वस्तु की कीमत पर। दूसरा है उपभोक्ता की आय पर, और तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर। ये तीनों चीजें जो है किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को निर्धारित करती हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी इन्हीं तीनों चीजों पर निर्भर करती है। किस पर? वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर और संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर। देखिए, वस्तु की कीमत मांग को कैसे निर्धारित करती है? आप जानते हैं कि अधिक ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मांग की जाती है और नीची कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाती है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। यदि जो है उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह वस्तुओं की डिमांड को बढ़ा देता है, और यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वस्तुओं की डिमांड को घटा देता है। तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जैसे चाय और कॉफी है, यदि चाय जो है 100 रुपए किलो है और कॉफी जो है सस्ती हो जाती है, काफी जो है चाय 100 रुपए किलो है, काफी 150 रुपए किलो है, यदि चाय से काफी का मूल्य कम हो जाता है तो लोग जो है चाय को छोड़कर काफी का उपभोग करने लगेंगे। या जो लोग कॉफी का उपभोग कर रहे हैं, यदि जो है चाय की कीमत कम हो जाती है और कॉफी का मूल्य बढ़ जाता है तो लोग जो है चाय का उपभोग करने लगेंगे, काफी का उपभोग नहीं करेंगे। तो अब इनको जो है, इन तीनों पॉइंट्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये तो मैंने शॉर्ट में भी आपको समझा दिया, अब डिटेल में समझाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया है, एक बार मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा निर्भर करती है किस पर? वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर और संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर। अब देखिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मांग के तीन प्रकारों की कल्पना की गई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मांग के तीन प्रकारों की कल्पना की गई, या मांग तीन प्रकार के हैं। देखिए, ये मांग के प्रकार हैं। पहला है कीमत मांग, जिसे इंग्लिश में प्राइस डिमांड बोलते हैं। दूसरा है आय मांग, जिसे इनकम डिमांड बोलते हैं। और थर्ड है प्रति या आड़ी मांग, जिसे क्रॉस डिमांड बोलते हैं। देखिए, मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है तीन बातों पर निर्भर करती है, वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर, संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मांग के तीन प्रकार निश्चित किए गए हैं, कीमत मांग, आय मांग, प्रति या आड़ी मांग। अब आइए जो है हम जो है एक एक बारी बारी से को समझते हैं कि कीमत मांग क्या है, आय मांग क्या है या प्रति आड़ी मांग क्या है। अब हम समझते हैं कीमत मांग क्या है, प्राइस डिमांड, जिसे मूल्य मांग भी कहते हैं, कीमत मांग या मूल्य मांग भी बोलते हैं। देखिए हमने लिखा है यहां पर कि यदि अन्य बातें समान रहें, ध्यान सुनिएगा, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत अथवा मूल्य मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर क्रय करने को तैयार रहता है। कि यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत अथवा मूल्य मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर क्रय करने को तैयार रहता है। देखिए, अब मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। देखिए, यदि अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको भी बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो है ये इसका जो है इसकी मान्यता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, यदि अन्य बातें समान रहें तो उपभोक्ता जो है विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जो है कीमतें बदलती रहती हैं, तो उपभोक्ता जो है वस्तुओं को विभिन्न कीमतों पर जो मांग करता है उसकी, उसी को कीमत मांग बोलते हैं। एक चीज में और दिया है, एक निश्चित समय में, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित समय, वह निश्चित समय चाहे आपका 24 घंटे हो सकता है या एक महीने हो सकता है या एक साल भी हो सकता है। तो आप जो है आप क्या उपभोक्ता के द्वारा जो है विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में वस्तुओं की
मांगी गई मात्रा को ही कीमत मांग कहते हैं। इसका जो प्रमुख चीज है इसमें वो है, वो वस्तु की कीमत है, अर्थात कीमत के द्वारा ही मांग निर्धारित हो रही है। अब इसमें लिखा है यदि अन्य बातें समान है तो इसका क्या मतलब, हमने लिखा है नीचे अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है, मतलब ये है कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, रुचि तथा आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इन चीजों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो और कीमतें बदलने के कारण जो मांग में परिवर्तन हो रहा है उसे ही कीमत मांग बोलते हैं, क्योंकि यदि इन चीजों में परिवर्तन होगा तो ये चीजें भी उसकी मांग को प्रभावित करेंगे। यदि उपभोक्ता की आय बदल जाएगी तो क्या करेगा, वह मांग को जो है यदि अधिक या कम होगा तो वह भी मांग घटाया बढ़ा देगा कीमत के प्रभाव के अतिरिक्त। उसी तरह संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, रुचि तथा आदतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि और आदतें ही बदल जाएंगी तो मनुष्य क्या करेगा, जिस वस्तु की डिमांड जो पहले कर रहा था उसकी डिमांड वो नहीं करेगा, तो कीमत के अलावा इन चीजों का भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि अन्य बातें समान रहें। अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां एक चीज नोट करने लायक है फ्रेंड्स, लिखा है कि कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों होता है, क्योंकि कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। ऐसा करने का मतलब ये है कि यदि कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी और यदि कीमत घट रही है तो मांग बढ़ेगी, इसलिए यह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। फ्रेंड्स देखिए, ओ एक्स एक्सिस पर जो कीमत है और इधर ओ वाई पर मांग है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कीमत अगर इतनी है, अगर हम इसको नीचे मिलाएं, कीमत इतनी है तो यहां पर मान लीजिए ए है। अब जो है कीमत घट रही है, कीमत यहां पर आ गई। अब देखिए इसकी मांग क्या है, बढ़ गई, बी पर आ गई। अब और कीमत घट गई तो इसकी मांग बढ़ करके सी पर आ गई। देखिए जैसे जैसे कीमत घट रही है उसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब जैसे जैसे कीमत ऊपर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी मांग घट रही है, तो इसलिए जो है कीमत और मांग के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। इसलिए जो है कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये देखिए कीमत मांग वक्र डीडी। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं सारी चीजों को आपको ऐसे भी ओरली भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और आप एक नोट्स बना लें, क्योंकि किताब में बहुत सारी फालतू चीजें भी होती है तो आप जो है मुख्य चीजों को ही याद कर पाएं और परीक्षा में उसको लिख सकें। अब ये दूसरी मांग के संदर्भ में समझते हैं। दूसरी मांग होती है आय मांग, जिसको इनकम डिमांड बोलते हैं। देखिए आय मांग क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। देखिए लिखा है कि अन्य बातें समान रहे। देखिए यहां पर भी लिखा है अन्य बातें समान रहे, वो अन्य बातें क्या होती है मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखिए इसमें कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित समय में क्रय करता है। इसमें क्या कर रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित समय में क्रय करता है या क्रय कर सकता है। देखिए मैं अब आपको इसको सरल शब्दों में समझाता हूं। देखिए आय मांग क्या होती है कि उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तरों पर एक निश्चित समय में वस्तु की जिस मात्रा की मांग की जाती है उसे ही आय मांग बोलते हैं। जैसे आप स्वयं आप अपने को ले लीजिए कि आपकी आय कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, तो आप अपनी आय क्यों, यदि आपकी आय बढ़ रही है तो आप जो है वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करेंगे, आय कम हो रही है तो वस्तुओं की डिमांड कम करेंगे। तो एक निश्चित अवधि में, जैसे कि एक साल हो गया, एक महीना हो गया, या 24 घंटे 48 घंटे भी हो सकते हैं, मतलब एक निश्चित समय हो उसमें जो है आपकी आय बढ़ रही है और घट रही है, तो आपकी आय के विभिन्न स्तरों पर जिन वस्तुओं की आप डिमांड करते हैं, जिन वस्तुओं की मात्रा का डिमांड करते हैं उसे ही आय मांग कहते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज इसमें भी ध्यान देने लायक है फ्रेंड्स, लिखा है कि अन्य बातें समान रहने अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि वस्तु विशेष की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की अधिमानता, रुचि, आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए जो पीछे बताया था मैंने सेम वही चीजें, लेकिन जो कीमत मांग थी वहां पर जो था
या जो कीमत मांग थी वहां पर विशेष वस्तु की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था। लेकिन जब आय मांग बता रहे हैं तो उसको हटा देंगे, वहां पर हम कीमत रख देंगे कि वस्तु विशेष की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु के लिए उपभोक्ता के अधिमान रुचियता आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने दोनों में कीमत मांग और आय मांग में तो ये समझा कि इस प्रकार कीमत या आय के बदलने पर वस्तुओं की डिमांड में कमी या अधिकता होती है। लेकिन वस्तुएं भी जो है दो प्रकार की होती हैं। वस्तुओं के प्रकार पर भी जो है मांग का प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी वस्तु की मांग घट जाती है। तो इस प्रकार वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती है, देखिए मैंने लिखा है वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए लिखा है कि आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं और आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं और आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं। अब हम दोनों को बारी बारी से समझते हैं कि आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुओं का मतलब क्या होता है। देखिए हमने लिखा है यहां पर कि आय में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की वस्तुएं विलासिता या आरामदायक वस्तुएं होती हैं। देखिए जब हमारी आय बढ़ती है तो हम जो है कुछ वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। तो जब हमारी आय में वृद्धि होने से जब जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है उसी वस्तुओं को हम विलासिता या आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके पास या आपके आस पास पड़ोस या बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है या उनकी बढ़ी है, उनके पास पैसा आया है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है विलासिता वाली वस्तुएं, गाड़ी लेना, फोर व्हीलर लेना या फोर व्हीलर है तो उससे महंगी लेना, या एसी कूलर, इन सारी चीजों को खरीद, इसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। जबकि गेहूं चावल ऐसे पेट भरने वाली चीजें, उनकी डिमांड यथावत रहती है। और आर्थिक दृष्टि से जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं के संबंध में जो आय मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है। तो यहां पर हमने एक छोटा सा फिगर में समझाया है कि आय मांग वक्र का ढलान जो है वो धनात्मक होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है, बाएं से दाएं की तरफ। देखिए यहां पर आय है, ओ एक्स एक्सिस पर आय है और ओ वाई पर मात्रा है, मतलब वस्तुओं की खरीदी जाने वाली मात्रा। अब देखिए इन दोनों में धनात्मक संबंध होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे से विलासतापूर्ण या आरामदायक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाती है। देखिए यहां पर जैसे अगर हम इसको मिलाएं यहां पर तो मांग इतनी है, अब आय बढ़ गई तो मांग देखिए भी मांग भी क्या होती है या इतना बढ़ गई, और आय बढ़ती है तो मांग बढ़ करके और अधिक हो जाती है। तो इसका तो ये जो फिगर ये दर्शाता है कि आय मांग वक्र का जो ढलान है वो धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे विलासतापूर्ण या आरामदायक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं कौन सी होती है। अब आइए समझते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं कौन सी है। देखिए हमने यहां पर लिखा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, लिखा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ घटती जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ घटती जाती है। ऐसी वस्तुएं कौन सी आती हैं, मोटा अनाज आता है, साधारण कपड़ा आता है आदि, ऐसी वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं कहा जाता है। देखिए जब आपकी आय की वृद्धि में या उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ कुछ वस्तुओं की मांग घटती जाती है तो जो है ऐसे वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं कहा जाता है। और जब आय बढ़ने के साथ जो है कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है तो उसे आरामदायक या विलासतापूर्ण वस्तुएं बोलते हैं। और आर्थिक दृष्टि से जो हीन वस्तुएं होती हैं, जब आय बढ़ती जाती है तो उनकी मांग कम होती जाती है, जिसमें मोटा अनाज, साधारण कपड़ा या अन्य चीजें भी आ सकती है। जैसे मोटा अनाज है, साधारण कपड़ा है, या चावल है, या नमक है, ये सब सारी चीजें हम जो है, नमक तो मान लीजिए अनिवार्य वस्तु है क्योंकि उसके और चीजों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना उसकी जितनी डिमांड है ये उसको उतना खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उसकी कीमत कम हो या बेसी हो। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जब हमारी आय बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी मांग को घटा देते हैं, तो इसे आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, नीचे मैंने लिखा कि ऐसी वस्तुओं का आय मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ऐसी वस्तुओं का आय मांग वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। देखिए यहां पर अर्थात जो आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं होती हैं तो आय और उसकी मांग में
विपरीत संबंध होता है। देखिए जैसे यहां पर इससे ऊंची कीमत है, यहां पर कीमत इतनी है तो इसकी डिमांड इतनी है। अब जो है इसकी कीमत कम हो गई तो इसकी मांग बढ़ गई, और कम हो गई तो इसकी मांग बढ़ गई, और कम हो गई तो इसकी मांग बढ़ गई। या इसे विपरीत अर्थ में ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु की मांग, देखिए यहां पर कम है, यहां ए है, तो इस अब यहां पर देखिए इसकी कीमत जो है यहां पर ओडी है। अब देखिए आय जब बढ़ रही है, यहां पर बी पहुंच गया, ओ बी पहुंच गया, तो इसकी मांग जो है घट गई, इसकी जो है मांग सीप हो गई। इसी तरह जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगा, आय बढ़ती जाएगी, मांग घटती जाएगी। अब आशा करता हूं कि आर्थिक दृष्टि हीन वस्तुएं का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग लास्ट मांग समझते हैं, प्रति मांग या आड़ी मांग। प्रति मांग या आड़ी मांग किसे कहते हैं? देखिए किसी वस्तु की प्रति मांग या आड़ी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता के निश्चित समय पर उस वस्तु के मूल्य या आय के स्थिर रहने पर उस वस्तु विशेष से संबंधित किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार रहता है। एक बार फिर से पढ़िए, या किसी वस्तु की प्रतिमांग या आड़ी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता के निश्चित समय पर उस वस्तु के मूल्य या आय के स्थिर रहने पर उस वस्तु विशेष से संबंधित किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार रहता है। भले ही आपको न समझ में आए कि मैं आपको जो है सरल शब्दों में समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रति मांग या आड़ी मांग क्या है, इसका मतलब यह है कि जब किसी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जब किसी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब जो है उस रियल वस्तु की जिसका हम भोग कर रहे हैं उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही प्रति मांग या आड़ी मांग कहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हो कि जो वास्तविक वस्तु है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं उसके मूल्य में न तो कोई परिवर्तन हो और न ही उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो। मैं सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आप कॉफी और चाय का उपभोग कर रहे हैं, कॉफी की कीमत मान लीजिए 100 रुपये प्रति किलो है, तो कॉफी का उपभोग आप चाय का उपभोग आप कर रहे हैं और चाय कीमत है 100 रुपये प्रति किलो। अब क्या हुआ कि चाय से संबंधित वस्तु मान ली कॉफी है, तो कॉफी जो है कॉफी की कीमत कम हो जाती है, कॉफी कीमत मान लीजिए 80 रुपये प्रति किलो हो जाती है। तो अब क्या करेंगे आप, तो अब जो है आप कॉफी की मांग को घटा देंगे, मांग को घटाकर चाय का उपभोग करने लेंगे। तो अब देखिए चाय से जो संबंधित वस्तु कॉफी है तो कॉफी की कीमत में परिवर्तन होने के कारण चाय की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को प्रति मांग या आड़ी मांग कहते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखने लायक है कि चाय का आप उपभोग कर रहे हैं तो उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, इसे कॉफी में परिवर्तन होना चाहिए। और यदि आप जो है चाय का उपभोग कर रहे हैं तो आपकी आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। या एक मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे गुड़ या चीनी है, ठीक है, आप जो है गुड़ का उपभोग कर रहे हैं, गुड़ मान लीजिए 80 रुपया प्रति किलो है, अब जो है चीनी की कीमत गुड़ से कम हो जाती है, चीनी मान लीजिए 60 रुपया प्रति किलो हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है जो गुड़ खरीद रहे हैं जितनी डिमांड आप कर रहे हैं उसको कम कर देंगे और आप चीनी का उपभोग बढ़ा देंगे। लेकिन यहां पर दो चीजें होनी चाहिए, मतलब गुड़ की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए और आपकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो संबंधित वस्तु की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव के स्वरूप जो मांग में परिवर्तन होता है या जो मांग प्रभावित होती है उसे ही प्रति मांग या आड़ी मांग कहते हैं। अब आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब देखिए लेकिन जो ये देखिए यहां पर एक चीज नाम लिया है कि संबंधित वस्तुएं, लेकिन संबंधित वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। हमने लिखा है यहां पर संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं समझा रहा हूं कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है और पूरक वस्तुएं क्या होती है। देखिए मैंने इसको लिखा तो नहीं, मैं इसको ऐसे ही समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्थानापन्न वस्तुएं कौन होती है, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है।
स्थानापन्न वस्तुएं कौन होती हैं? जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे चीनी तथा गुड़, चाय तथा कॉफी, लकड़ी तथा कोयला आदि, और अन्य भी वस्तुएं हो सकती हैं। स्थानापन्न अथवा प्रौद्योगिकी वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। देखिए, स्थानापन्न अथवा प्रौद्योगिकी वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, क्यों होता है? इसका कारण यह है कि स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे यदि कोयला की कीमत बढ़ गई, यदि कोयला की कीमत बढ़ गई तो लोग कोयले को छोड़कर लकड़ी खरीदने लगेंगे जलाने के लिए। तो कोयले की कीमत बढ़ रही है, इधर लकड़ी की मांग बढ़ रही है, तो दोनों के बीच क्या है? धनात्मक संबंध है, अर्थात इसका जो है मांग वक्र जो है, मांग वक्र ढाल जो है धनात्मक होगा। अब आइए समझते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जिसे कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। पूरक वस्तुएं करें जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान सुनिएगा, जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्कूटर तथा पेट्रोल, पेन तथा स्याही आदि, ऐसी वस्तुओं के संबंध में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग घट जाती है। इसके विपरीत यदि एक का मूल्य घट जाता है तो दूसरे की मांग में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। स्पष्टतया जो है पूरक वस्तुओं की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अतः पूरक वस्तुओं का प्रति मांग या आड़ी मांग वक्र का ढाल साधारण मांग वक्र की भांति ऋणात्मक होता है। पूरक वस्तु में जैसे आप ले ले स्कूटर या बाइक ले ले या पेट्रोल, बाइक पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। यदि बाइक की कीमत बढ़ जाती है तो पेट्रोल की मांग अपने आप घट जाएगी, और यदि बाइक की मांग कम हो जाती है तो लोग अधिक बाइक खरीदने लेंगे तो पेट्रोल की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये रहा स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। एक या दो बार वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी और आप परीक्षा में जो है आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मैं एक एक पॉइंट को जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।